अभी तक सबको इंतजार था कि बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जानी चाहिए। वैसे तो बीजेपी के प्रत्याशी हर सीट पर तकरीबन तय है, सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर यह पता करना है कि प्रत्याशी कौन हो सकते हैं। बाकी सीटों पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आए हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, या अपने मन से बाद में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन प्रत्याशियों को टिकट मिलना तय है, सर्वे की रिपोर्ट चाहे जो भी कहती हो। लेकिन जो 3 सीटें जो उस जगह के स्थानीय प्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों के निधन की वजह से खाली हुई थी, उन 3 सीटों पर अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पाई है कि किसे टिकट देगी। और अब जो पेच उलझा है उसके बाद ये फैसला कुछ दिन और के लिए टल गया है। तो जो लिस्ट ये माना जा रहा था कि आज आ जाएगी, अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 1-2 दिन और लगेंगे। और ये 2 सीटें जहां पर सबसे ज्यादा खींचतान है उसमें से है एक ब्यावरा और एक सीट है आगर। इन 2 सीटों पर बीजेपी को काफी माथापच्ची करनी है कि टिकट किसे दें। वैसे तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा लंबा चौड़ा पैनल बीजेपी को मिला हो इन दोनों सीटों पर, कि बहुत सारे दावेदार हों, 1 या 2 ही नाम है बमुश्किल, लेकिन वो इतनी रिश्तेदारी में उलझे हुए हैं कि अच्छे और बुरे के बारे में सोचना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आगर की, जो मनोहर ऊंटवाल के निधन से खाली हुई है। यहाँ पर बीजेपी को ये फैसला करना है कि वो माँ को टिकट देंगे या बेटे को टिकट देंगे। वैसे तो बेटे का नाम काफ़ी ज़ोर शोर से आगे आ रहा है कि बेटे जो थे बंटी ऊंटवाल, उनको टिकट मिल सकता है, पर एक इस उसमें भी पेच फंस गया है कि माँ भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अगर बीजेपी ये चाहती है कि सिंपथी वोट गेन करे तो उसके लिए पत्नी को वोट देना ज़्यादा, पत्नी को टिकट देना ज़्यादा मुफीद नज़र आ रहा है बीजेपी को, इसलिए सीट पर उलझ गया है टिकट। और दूसरी जगह पे ब्यावरा में नारायण सिंह पवार और उनके भतीजे जगदीश पवार के बीच में टिकट उलझ गया है। वैसे तो नारायण सिंह पवार इस सीट से पहले प्रत्याशी रहे हैं, जो दांगी जिनका निधन हुआ है अभी कुछ समय पहले, उनसे वो हारे थे पिछला विधानसभा चुनाव, तो अब वापस दावेदारी कर रहे हैं और खुद को जीतने लायक उम्मीदवार बता रहे हैं। भतीजा भी यही दावा कर रहा है। अब बीजेपी को तय करना है कि चाचा भतीजे किसको चुने वो। तो ये जो 2 जोड़ियां हैं, ब्यावरा सीट पर चाचा भतीजे की जोड़ी और आगर सीट पर माँ और बेटे की जोड़ी, इन दोनों के बीच में किसी एक प्रत्याशी को चुनना है, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दमदार प्रत्याशी को चुनना है, जिसकी वजह से अभी तक बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। तो अभी जो हालिया खबरें सामने आ रही हैं उन्हें देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बीजेपी की सूची के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। नमस्कार।